तो मेरा प्रश्न है, मुझे हम यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, हमें सुधरने के लिए आए हैं? भाई देखो, जीबीसी ने मना किया है इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का। लेकिन फिर भी मतलब एक आध लाइन टोकन का तो शेयर कर ही सकते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, अचिंता भेदा भेद भी है। भगवान खीर देते हैं, खा लो, लेकिन उसमें बालू डाल देते, तुम खा भी नहीं पाओगे। तो मीठा भी लगेगा लेकिन निगला भी नहीं जाएगा। तो भगवान हमारी जो भी तथाकथित इच्छाएं हैं उसको पूरा करवाते हैं, क्योंकि फ्री विल तो हमारी है और वो अनलिमिटेड है, तो भगवान उसको पूरा कराते हैं। लेकिन साथ साथ भगवान इस तरीके से पूरा कराते हैं कि वो उससे फ्रस्ट्रेट हो जाए और लास्ट में बोले, बस बहुत हो गया, नाउ यू टर्न, अब बस मुड़ना है। वरना अगर ये भोग चलता रहेगा, सब कुछ फर्स्ट क्लास रहेगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, तो फिर वैकुंठ भगवान कृष्ण उनकी कौन सुनेगा, है ना। तो वास्तव में ये जगत हमारा है ही नहीं। जैसे विदेश जाते तो कितने डरे रहते हैं लोग, नहीं लेफ्ट में चलना, राइट में चलना, ये ना वो ना, ऐसी भय लग बना रहता है, पदम पदम यद विपदम। पर जैसे वापस कोई इंडिया आता है, अरे अपनी देश अपनी मिट्टी, है ना, लेफ्ट में चलो राइट में चलो उल्टा चला लो, डर नहीं रहता। तो जब हम दूसरे लोगों की नगरी में रहते हैं तो डरे रहते हैं, घबराए रहते हैं, लेकिन अपने घर में जब जाते हैं तो दिल खोल के कुछ भी करते हैं और कोई डर नहीं होता। तो ये जगह देखो, आप हमेशा डरे नहीं रहते, परेशान नहीं रहते, पर चूंकि हमने इच्छा कर रखी है इसलिए भगवान यहाँ डाल दिया हमारे को कि तू कर लो, देख के यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग गाते रहते हैं, होंगे कामयाब एक दिन, तो ठीक है, हो के देख लो, है ना। आज से गा रहे हैं, बचपन से गा रहे हैं, कहाँ कामयाब हुए, है ना। कामयाब तो वही होंगे जब हम उनके श्री चरणों को पकड़ेंगे।